सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वोकम बैडी नाम, जहाँ पर लास्ट टाइम हमने ट्रैवल किया था वाटरी एरिया में, जहाँ पर हम आ चुके हैं दोस्तों विक्ट्री रोड। और आज जो है हम जाने वाले अपने आगे के सफर पर, यानी जो है विक्ट्री रोड। सो यस गाइस, आई एम ऑल हील्ड अप एंड आई एम ऑल द स्टॉक, मैंने पूरा भर दिया है अपने सुपर रेपल्स का, अपने पोशंस का, अपने मैक्स पोशंस का। तो आज जो है हम जाने वाले दोस्तों अपने आगे के सफर की तरफ। और दोस्तों थैंक यू सो मच आपने बहुत सारा प्यार देने के लिए अपनी लास्ट वाली वीडियो को, जो थी संडे वीडियो ऑन डिमांड। ऐसे ही दोस्तों मैं वीडियो जो है वो लाता रहूँगा अपनी संडे वीडियो ऑन डिमांड के लिए। दोस्तों टॉपिक के बारे में दोस्तों मुझे कमेंट करना बिल्कुल भूलना। मैंने दोस्तों एक टॉपिक दोस्तों मुझे पिछले वाली वीडियो में आ चुका है, देखूंगा दोस्तों अगर हो सकता है हम उस टॉपिक के बारे में कवर अप करेंगे। और तो दोस्तों ज़्यादा यूट्यूबर्स ने टॉपिक को कवर कर चुका है, तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम आगे चलकर कैसे कैसे हमारे टॉपिक्स के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ऐसे करंटली दोस्तों वीडियो जो है हमारे टॉप 10 वीडियो में से नंबर 5 पर ट्रेंडिंग कर रही है, और दैट्स वेरी नाइस फॉर मी। तो चलो गाइस, यहाँ पर बैटल जो है ख़त्म हो चुका है। ओके, एक और पोकेमॉन है, 2 बटी। ओके ऑल राइट, यहाँ पर हम जो है ना दोस्तों हम पूरे विक्ट्री रोड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम दोस्तों पूरे विक्ट्री रोड को जितने भी सारे बैटल्स होंगे उसमें से दोस्तों लगभग 90% बैटल जो है आज हमें कैसे भी करके कवर अप कर रही है। और दोस्तों आगे चलकर जो है ना मैं अपनी टीम को भी बता कि लेवल की कितने दोस्तों मुझे करने चाहिए उतना दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। गाइस और गाइस, मुझे पिछले वाली वीडियो पर ना मतलब कि पोकेमॉन फायर डैश की वीडियो पर एक कमेंट आया था कि वाई फायर डैश 2.0, उसमें दोस्तों हमारे जो व्यूअर्स थे या मतलब कि समझदार थे उन्होंने कमेंट कर दिया था कि ये गेम अपडेट हो चुका है। लेकिन उन्होंने, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि आपको पता ही है दोस्तों मैं पोकेमॉन फायर डैश की सीरीज जो है पहले भी खेल चुका हूँ, कंप्लीट नहीं किया दोस्तों। अभी तो अपडेट्स आया ही नहीं है पर मैंने कंप्लीट नहीं किया। पर लेकिन भाई यहाँ पर मैं कंप्लीट क्यों नहीं किया हूँ, बिकॉज मैं फिर से क्यों खेला दोस्तों आपको पता ही है, बिकॉज हमने पोकेमॉन ऐश की जर्नी को फॉलो नहीं किया। मुझे कमेंट बहुत दोस्तों हेट आ रहा था जब मैंने ऐश की जर्नी को मतलब ये नहीं किया था, जैसे उसके साथ खेला नहीं था, उस वजह दोस्तों मुझे कमेंट आया था। और दोस्तों मुझे जो यहाँ पर एक और कमेंट आया था कि वाई डिड यू नॉट प्ले एज ऐश। और दोस्तों और आगे चलकर जो है ना मतलब कि बहुत सारे अपडेट्स हो, जैसे कि आपने सबसे पहला अपडेट देखा कि हमें जो है पोकेमॉन कैच नहीं करने पड़े, जितने भी सारे ऐश के पास मिले थे हमें वो ऑब्टेन हो रहे हैं डायरेक्ट, अभी हमें जो है यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं पोकेमॉन, उस वजह दोस्तों ना वो भी एक अपडेट आया है। और दोस्तों आगे चलकर मैं आपको अपडेट की बात बता दूँ कि फायर ऐश की, कि हमें जो सिर्फ पोकेमॉन सेलेक्ट करने ही पड़ रहे हैं, मतलब कि जैसा कि अभी बोल दें दोस्तों, मतलब कि हमें जो है जितने भी जिम लीडर जो है बैट पोकेमॉन चुनेगा ना, उतने पोकेमॉन सिर्फ हमें ही चुनने हैं। ये दोस्तों नया अपडेट आया था पोकेमॉन फायर रश में, मैंने नोटिस नहीं किया था, उस वजह दोस्तों आज जो है फिर से हमने मतलब कि ये जो गेम फिर से स्टार्ट किया पोकेमॉन फायर रश और फायर रश 2.0 क्यों फायर रश में पहले तो हम खेल चुके हैं, दोस्तों मैंने सोचा कि फायर रश 2.0 नाम दिया जाए, चलो एक थोड़ा सा यूनिक नाम दिया जाए, इस वजह दोस्तों मैंने सोचा कि पोकेमॉन फायर रश 2.0। और थैंक यू सो मच राज, आपने भी अच्छे कमेंट से किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं वहाँ पर कभी तुम कमेंट करने प्रेजेंट नहीं था, बिकॉज थोड़ा सा काम कर रहा था मैं, उस वजह दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक के बारे में वीडियो में बात कर लूँ। और दोस्तों अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी आज वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा। हमारे दोस्तों आज जो है मैं बता दूँ ना, अपनी जो डेड कैट जो थी ना वो भी मुझे मिल चुकी है। आपको पता ही है मैंने बहुत 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 सालों पहले कहा था, बहुत एजेस पहले कहा था कि मुझे जो है मेरी डेड कैट जो है वो गुम हो चुकी है, लेकिन दोस्तों मेरी जो है यहाँ पर डेड कैट जो फिर से मिल गई। और दोस्तों मतलब कि मैंने अभी लगाई नहीं है, अगली वीडियो में शायद मैं लगा दूंगा अपनी डेड कैट। उससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ना वो कंप्लीट दोस्तों जो है ना मतलब कि गायब भी हो जाएगा, बिकॉज पंखे के वॉइस भी नहीं, अभी तो आपको ज़्यादा वॉइस नहीं आ रही होगी बैकग्राउंड की, बीच में आ रही होगी। मेरे अभी मोबाइल मैंने ऐसे ही नेट चालू किया है, उस वजह दोस्तों ज़्यादा मुझे कमेंट मतलब कि बोलते हैं ना कि नोटिफिकेशन ज़्यादा आ रही है, उस वजह से नोटिफिकेशन का भी दोस्तों साउंड आ रहा था। तो चलो गाइस यहाँ पर हम चलते हैं अभी। ओके, यहाँ पर एस ट्रेनर ज़्यादा है, चलो गाइस कोई बात नहीं, एस ट्रेनर ज़्यादा होने से हमें कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, मतलब कि हमारा फ़ायदा ही होगा कि हमें जो है यहाँ पर एक्सपी ज़्यादा मिलेगी। देखो अभी बी सी लेवल 45, इसके ऊपर एक क्लोज कॉम्बैक दे दिया ना हमने, बहुत सारी एक्सपी मिलने वाली है। आप देखो गाइस, अब आप देख ही लो। और हाँ, चौथा मूव जो था ना मतलब कि स्टार अफ्टर का वो था, मुझे अभी तक मिला नहीं है, शायद मिलेगा, इस वजह दोस्तों मैंने मतलब कि डिफॉल्ट जो है वो फॉरगेट किया था। ओके, ग्लेली के खिलाफ शायद, वो ग्लेली मुझे
यार ग्लेड मुझे सुनाई दिया, शिट यार। चलो कोई बात नहीं, हम पोकेमोन को स्विच कर लेते हैं आज, क्या हमें सिर्फ बैटल्स ही करने हैं, हमें कैसे भी करके ना अपनी पोकेमोन की प्लेटिनम की सीरीज आगे रखना है। और दोस्तों इस वीक से जो है हमारा मतलब कि बोल सकते हो कि आप अपना जो स्टेज शेड्यूल जो है ना वो पूरा चेंज होने वाला है। वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, फिर से मैंने पहले भी कहा था लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो है हमारा पोकेमोन जो प्लेटिनम के एपिसोड जो है मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। मैंने अपने अबाउट के सेक्शन में भी क्लेरिफाई कर दिया हूँ, मैं फिर से आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। पोकेमोन प्लेटिनम के सीरीज़ के दोस्तों वीडियो जो है वो आएंगी मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे। यस गाइस, पोकेमोन प्लेटिनम की सीरीज मंडे वेनसडे और फ्राइडे आएंगे। हर हफ्ते दोस्तों 3 वीडियोज आएंगी। और दोस्तों हमारे पोकेमोन फायर एश की भी दोस्तों 3 दिन ही सीरीज आएंगी। ओ शिट, मेरे पास रॉक स्मैश नहीं है यार, शिट। मुझे लगता है अभी मेरे जोल्टियम को देना ही पड़ेगा, क्या करें यार। मेरे पास अभी बोलते हैं गया, मतलब कि मेरा कौन था वो गिबल नहीं, मैं दोस्तों मेरे पास अभी वो पोकेमोन दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बीडोफ का दोस्तों मैं हमारे पास नहीं है, इस वजह दोस्तों मैं अभी इसको दे दे रहा हूँ, पर आगे चलकर मैं इसे फॉरगेट भी कर दूंगा दोस्तों रॉक स्मैश, बिकॉज आई डोंट हैव नीड ऑफ द रॉक स्मैश। तो चलो अभी चलते हैं, मैं अभी आगे की तरफ। यहाँ पर हमारा रॉक स्मैश हमने स्मैश तो कर लिया, तो चलो गाइज यहाँ पर। एंड अगेन दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने प्यार बनाए रखा। और हाँ, मैं यहाँ पर टॉपिक के मतलब कि मैं यहाँ पर अपने शेड्यूल के बारे में बात कर रहा था। तो शेड्यूल जो होगा ना दोस्तों, मैंने पहले भी कहा मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे होगा पोकेमोन प्लैटिनम, और गाइज ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे होगा हमारा पोकेमोन फायर एश। यस, वी विल कंप्लीट कंटिन्यू दी पोकेमोन फायर एश सीरीज ऑन दी नॉट ओनली वन डे, वी विल कंटिन्यू ऑन दी ऑल्टरनेट डेट्स, जैस एज आई मेंशन गाइस, होगी जो कि होगा ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। और दोस्तों संडे जो होगी आपको पता ही है, हमने अपनी नई सीरीज आज शुरू की है जो कि है संडेज वीडियो ऑन डिमांड। जब तक आपने वीडियो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, सो what are you doing guys, go and watch ahead that video, it will be very useful to you। ऐसे ही दोस्तों मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके सर्फ का इस्तेमाल करके यहाँ पर फ्लोट करने डाउन तो कर यार रैंपार्ड, उसको ज़्यादा लेवल के पोकेमोन हो मोटिन के लिए मैग्मोटारिस ठीक होगा। तो चलो गाइस यहाँ पर हम फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल, तो ओके गाइस यहाँ पर बैटल जो है वो हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर हमें बोल्डर को दोस्तों मैं यहाँ पर ये कर ही रहा हूँ। और तब तक दोस्तों मैं हम बात करते हैं अपने पोकेमोन प्लैटिनम की सीरीज़ के बारे में। दोस्तों मैं अगर मैं देख रहा हूँ ना, आप जैसे मैं पहले व्यूज एक्सेप्ट कर रहा था ना, मतलब कि 2-3 महीने पहले, वैसे व्यूज़ अभी आ नहीं रही है। दैट्स वाई मुझे पता नहीं क्या रीज़न क्या है। मैंने ट्राई भी किया था अपनी मतलब कि बोल सकते हो आप, मैंने फेस कैम ट्राई किया था, उसमें तो दोस्तों अभी तो मतलब आ ही नहीं रहे थे। फिर भी मैंने फिर से बंद कर दिया, पोकेमोन फायर की सीरीज़ पे ही रखा, और वो उसमें भी दोस्तों ज़्यादा चला नहीं। पर क्या करें यार, अभी मैं क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई किया दोस्तों, पर क्या करें, कोई कुछ कर नहीं सकते। मैं ज़्यादा इसके बारे में बातचीत करता नहीं हूँ, तो चलो ये टॉपिक को रहने ही देते। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट बनाए रखना आपका, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ आर प्लेजर। मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ और ही बोलना था मैंने, कुछ शायद मैं गलत बोल दिया, तो माफ़ कर देना दोस्तों। ओके गाइज यहाँ पर हमें बोल्डर्स को कैसे ये करें यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऑल राइट गाइज, चलो गाइज यहाँ पर ओके नहीं 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 ये भी नहीं। सो मैं एक बार पॉज कर लेता हूँ फिर से एक बार ना, नहीं शिट, इसके आगे हमें जाना है ना। तो ओके गाइज ऑल राइट, आई हैव क्लियर दिस बोल्डर। तो चलो सिर्फ ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, सिर्फ मीडियम लेवल का था, सिर्फ हमें ट्रिक थी। चलो गाइज यहाँ पर हम चलते हैं। ओके यहाँ पर एक एज ट्रेनर बैटल फिर से आ चुका है, तो चलो इसे भी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। सिर्फ मेरा एक सेकेंड रखना, तो चलो गाइज यहाँ पर हमारा बैटल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी आगे की तरफ, बैटल अभी भी जारी ही है।
तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो हमारा अडैप्टर जो है ना दोस्तों हमारी लेवल 46 पर जा चुके हैं। दोस्तों मुझे किन किन लेवल पर जाना चाहिए ना अपने पोकेमॉन दोस्तों बोल सकते हो दोस्तों, कितने मुझे लेवल्स क्लियर अप करने चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे कितने लेवल्स मुझे कंप्लीट करने चाहिए अगर मुझे पोकेमॉन लीग को चैलेंज करना हो, बिकॉज मैं यहाँ पर 40 और लेवल 44 के तो चैलेंज नहीं कर सकता ना, उससे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बोल्डर्स है ना, कुछ ज़्यादा ही बोल्डर्स दिख रहे हैं यार हमें ज़्यादा ही दोस्तों विक्टर रोड। और दोस्तों इस विक्टर रोड को ना पता नहीं यार क्यों जब से टफेस्ट विक्टर रोड कहाँ जाता है, मैंने भी दोस्तों फेस किया, ये मेरा सेकंड टाइम दोस्तों गेम खेल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम दोस्तों गेम ऑलमोस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट नहीं कम्प्लीट ही कर चुका हूँ, लेकिन आई एम अगेन प्लेइंग दिस गेम एज आई टोल्ड यू मेरा पीसी जो है वो डैमेज हो गया है, उसमें मेरी सारी की सारी फाइल्स है, उसमें मेरी सारी की सारी ऑडियो फाइल्स है, क्या कर सकते हैं यार, नहीं तो अब तक ये गेम हमारा ख़त्म हो चुका होता था। अगर अपनी नई सीरीज़ के मैं बोल दूँ ना, हम यूनोमा रीजन में ट्रैवल कर रहे थे, अभी यूनोमा रीजन नहीं दोस्तों, मैंने एक बीच में ना एक गेम मतलब कि पोकेमॉन प्लैटिनम खेलने के बाद ना मैंने एक गेम ऐड किया था, मैंने गेम खेला था उसको ना सबसे हार्ड गेम में कहा जाता है, वो गेम हम मैं खेल रहा था, लेकिन क्या करें अब हमारी फाइल भी दोस्तों क्रैश हो गई, मैं क्या करूँ यार मुझे कहा। और दोस्तों मैं एक नया माइक लेने वाला ही हूँ, पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, शुड आई बाय अ न्यू माइक और शुड आई परचेस दी पीसी, यस पीसी खरीदूँ या लैपटॉप खरीदूँ या माइक खरीदूँ, तीनों में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, क्या करें यार यूट्यूब अभी इनकम भी नहीं दे रहा है, अब तक हमें बस रुका रहा है यूट्यूब, अब तक बोलूँ ना कुछ भी डॉलर्स यहाँ पर कलेक्ट नहीं हुए, जितने मेरे डॉलर्स अभी तक कलेक्ट हुए ना उसमें मैं क्या कर खरीद सकता हूँ ना, अगर मैं आपको हिंट दे दूँ ना तो कुछ भी नहीं खरीद सकता, इतने डॉलर्स कम ये हुए मेरे अभी, क्या कर सकते यार कुछ कर नहीं सकते, हम वी हैव टू वेट, हमें बस यहाँ पर पैसे नहीं कमाने, वी हैव टू प्रोवाइड अस बेटर कॉन्टेंट। चलो गाइज यहाँ पर मैं देखता हूँ दोस्तों कैसे भी हो ना, मैं यहाँ पर एक सेटअप भी लेने वाला हूँ परचेस करने वाला हूँ, और दोस्तों आगे चलकर जो है हम पीसी भी लेने वाले, एक इन्वेस्ट करने होंगे पर क्या करें यार थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना ही होगा हम अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो। तो चलो गाइज यहाँ पर फुल रिस्टोर बचे है मेरे पास, तो चलो मुझे लगता नहीं अभी सारे पे सारे पे उसको लिए फुल रिस्टोर की ज़रूरत है, तो ऑल राइट गाइज चले चलते हैं अभी आगे के सफ़र की तरह। चलो गाइज यहाँ पर बैटल आ गया, तो चलो दोस्तों चलते हैं, अभी सर्फ का इस्तेमाल करना होगा हमें, अच्छा हुआ मेरे पास सारे के सारे आइटम्स पड़े हैं, नहीं तो वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही थी आगे चलकर हमें, ओके गाइस यहाँ पर और एक बैटल जैसे डम्मी कर रहा था चिंता, तो ऑल राइट गाइज यहाँ पर बैटल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चल। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना कि यहाँ पर राइट साइड में अगर आप नीचे की तरफ जाओगे ना तो आपको जो यहाँ पर हार्ट स्केल मिल जाएगा, मैं यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर कलेक्ट करने आने वाला हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आगे चलकर हम कलेक्ट कर लेंगे यार ये बैटल, ये हमें अभी डरसा है यार शे कांट एस्केप, चलो मेगा ड्रेन ही कर लेते हैं, लेजर लीफ फिर मेगा ड्रेन, यार मेरे पास अभी लेवल 48 के पोकेमॉन नहीं होते थे तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल ही कर लेता था यार, कांट एस्केप कांट स्विच शिट,
चलो कोई बात नहीं, हम इस बैटल को ही कंप्लीट कर देते हैं। ओके ज़्यादा अभी बचा नहीं है। एक तो इस पोकेमोन में ज़्यादा जान नहीं है फ्लोरजल, लेकिन फ्लोरजल बहुत ही दोस्तों ताकतवर पोकेमोन होते हैं, कुछ भी बोलो। और फ्लोरजल भी दोस्तों मतलब कि बोल सकते हैं ना एक्टिव पोकेमोन। मैं आपका चुनोगे ना तो मैं फ्लोरजल को भी चुनना चाहूँगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी एक्टिव पोकेमोन। तो चलो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हम चलते हैं, बिकॉज शायद मुझे लगता है ना हम यहाँ पर सही रास्ते पर हैं। आई डोंट नो सही रास्ते पर या गलत रास्ते। ओके यहाँ पर नीचे चल कर देखते हैं। ओके यहाँ पर एक टीएम है, हमें मिल चुका है TM-59 ड्रैगन पल्स। ओके कोई बात नहीं, तो चलो गाइस यहाँ पर चलते हैं फिर से ऊपर की तरफ। यहाँ पर और एक बैटल है, कितने सारे बैटल्स करवाओगे हमसे यार। मैं भी आपको मिलता हूँ इस बैटल के बाद। सो ऑलराइट गाइस हैव डन दिस बैटल। तो चलो ये दोस्तों यहाँ से हम चले जाते हैं। बैटल्स कितने सारे हैं ना मुझे पता नहीं यार, आई हैव नो आइडिया। ये देखो यार अभी पोकेमोन भी हमारे को ये कर रहे हैं, आई कांट एस्केप। ये देखो डाउन कर दिया टोटल रॉक, ये अभी इसको छोड़ूंगा नहीं यार, तो मेरा अभी बिल्कुल बैटल करने का मूड नहीं है। चलो गाइस यहाँ से चलते हैं यार, पल भी ख़त्म होना था, ऐसे सब लगते हैं ना हर जगह से लगती है यार। चलो फिर से चलते हैं अभी आगे कर। ये देखो यार कितने पोकेमॉन्स आएंगे। गबाइट गबाइट जाने दे यार, फ्लोर तो जाने दे यार प्लीज़, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी तेरे साथ बैटल करने के लिए। मैं अभी एक मूव देता हूँ यार, अभी भाग भी नहीं सकता। अच्छा ये अभी यार ये वर्लपुल, वाई यू यूज द वर्लपुल ऑल द टाइम मैन। ड्रैगन क्लॉ, चलो एक और ड्रैगन क्लॉ फिर हम बैटल को ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा ही लंबा हो गया ये बैटल गाइस। सो ऑल राइट वी हैव डन दिस बैटल, दी नॉन प्रमोशनल बैटल, मतलब कि कुछ पैसा मिलने वाला नहीं था इस बैटल के ख़त्म करने के बाद। तो चलो गाइस यहाँ पर मुझे लगता है ना हम वी आर ऑन द राइट वे। ओके गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर हीलिंग कर रहा था और इसके बाद मैं यहाँ पर बैटल भी स्टार्ट कर दिया हूँ। थोड़ा सा पॉज कर दिया था, मुझे याद नहीं था मुझे पॉज क्यों किया था। फिर मैंने स्टार्ट करने मतलब कि हीलिंग करने के लिए, लेकिन मैं स्टार्ट करना भूल गया था उस वजह से दोस्तों। ओके शेट टॉर्टर अभी यहाँ पर डाउन हो गई। चलो यहाँ जा स्टार आफ्टर लेवल। ओ अगर हिट नहीं हुआ ना, अगर ये मरता नहीं था ना हमारे पाँच स्टार आफ्टर ही डाउन होता था। चलो अच्छी बात है यहाँ पर हिट हुआ टैंगर ओथ। अपना माइक मोटर आ जाओ लेवल 52। मुझे लगता है ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पोकेमॉन्स को यहाँ पर हीलिंग करने के लिए। चलो गाइस यहाँ पर बैटल भी शायद एक्सेप्ट नहीं, एम्पोलियन जोल्टियन एम्पोलियन ऑन ऑन शॉक वेव। और दोस्तों आज का एपिसोड ना थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, बिकॉज हमें जो है ना कम्प्लीट ही करना है आज कैसे भी करके हैं मतलब कि विक्टोरी रोड को। उस वजह दोस्तों आज का वो एपिसोड दोस्तों थोड़ा सा लंबा खींचे गया, लंबा होगा पर देखना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। आज बहुत सारे बैटल्स हम कर रहे हैं, आज बहुत सारे एक्सपी कर रहे हैं। अगर आपको हिट्स हिंट भी दिए मैंने दोस्तों इस बैटल में क्या क्या होना और क्या क्या पर क्या क्या आइटम है वो भी बताया दोस्तों। इस वजह दोस्तों इस बैटल एपिसोड को मिस करना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज गाइज मैं देखता हूँ ना अभी पहले दोस्तों हमारे जो हर वीडियो थी रहती थी ना पोकेमॉन प्लैटिनम की, उस पर दोस्तों हमका दोस्तों जो थी ना 50 अप व्यूज आते थे। लेकिन अब से जो मतलब कि दिसंबर से क्या हो गया मेरा पोकेमॉन प्लैटिनम की सीरीज़ को पता नहीं यार। चलो ये और एक बैटल है, इसे भी डन कर लेते हैं। कितने सारे बैटल्स है यार, इसे भी पास कितने सारे पोकेमॉन है। आई एम वेरी टायर्ड मैन, वेरी टायर्ड कैरेक्टर कम यार बेटा, विंग अटैक दे दे स्वैब ब्लू विंग अटैक। ओ अगर ड्रैगन
सो चलो गाइस यहाँ पर बैटल जो है ख़त्म हो चुका है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी आगे की तरफ। आई होप इट इज़ द राइट वे। एंड यस गाइस, वी हैव फाइनली रीच द आउटसाइड ऑफ द लेग एंड वी हैव रीच द पोकेमोन लेग। यस गाइस, पोकेमोन लेग अहेड। सो चलिए गाइस यहाँ पर हम सर्फ का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमें जो है यहाँ पर बड़ा एक वाटरफॉल नज़र आ रहा है, हम इसे भी क्लाइंब अप कर लेते हैं फ्लोट जल की मदद से। एंड वी हैव ऑफिशियली रीच द पोकेमोन लेग। सो यस गाइस।